सबसे पहले रिजल्ट राजनांदगांव का है और वहीं हम लोग शपथ ग्रहण में जा रहे हैं। हेमा देशमुख जी वहाँ महापौर बनी हैं, उसके पदभार ग्रहण कार्यक्रम में हम लोग भी निमंत्रण मिला है, हम लोग जा रहे हैं। और उसके साथ साथ दुर्ग का भी है और मुंगेली में भी प्रकाश मुनि साहब जो कबीर पंथ के हमारे गुरु 42 वंश के वंशज हैं, वहाँ एक कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम आयोजित है। उसमें देखिए छेरछेरा हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा रही है और इस दिन सभी छोटे बड़े घरों में खलिहानों में जाते हैं, अनाज मिजाई का काम, धान मिजाई का काम आखिरी चरण में रहता है तो वहाँ धान भी इकट्ठा करते हैं, धन भी इकट्ठा करते हैं और उसे गांव के विकास के कार्यक्रम में उसे लगाने की परंपरा रही है। दूसरा पहलू उसके आध्यात्मिक है कि चाहे वो छोटा हो बड़ा हो सबके घर मांगने जाते हैं तो जो देने वाला वो बड़ा होता है, मांगने वाला छोटा होता है। तो जो अहंकार के त्याग की जो भावना है हमारे छत्तीसगढ़ में परंपरा से जुड़ी हुई है, ये हमारे पारंपरिक कार्यक्रम है और इसमें कल मैं भी सम्मिलित हूँगा। खेल प्राधिकरण का गठन जो किया गया था उसके पीछे उद्देश्य ये है कि खेल को बढ़ावा देना। हमारे पास स्टेडियम है लेकिन खेल गतिविधियाँ बहुत कम हैं, कुछ बड़े शहरों में ही दिखाई देता है लेकिन सभी जगह नहीं है। तो ऐसे में एक एक स्टेडियम को हम लोग उसमें जो जिस खेल के लिए है वहाँ सेलेक्टेड बच्चों को वहाँ रख के उसे ट्रेनिंग भी देंगे, उसके कोच की व्यवस्था भी होगी, उसके डाइट की भी व्यवस्था होगी और उसके रेसिडेंस और एजुकेशन उसकी भी व्यवस्था, उसके हर्जा ना हो इसका भी हम लोग को ध्यान रखें। सबसे पहली बात यह है कि आपको प्रमाणित करना पड़ेगा, आपको लाइन में लगना पड़ेगा। जब आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास वोटर आईडी है, आपके पास राशन कार्ड है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके पास बैंक का अकाउंट है, आपके पास किसी के पास पासपोर्ट भी है, तो फिर और कौन सा कार्ड चाहिए आपको भारत की नागरिकता बताने के लिए? आप माता पिता की जन्मतिथि और जन्म स्थान बताने के लिए बाध्य कर रहे हैं, कहाँ से लाएंगे हमारे छत्तीसगढ़ के लोग? 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, वो लैंडलेस हैं, उसके पास कोई ज़मीन नहीं है, उसके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आखिर वो कैसे प्रमाणित करेगा? और फिर इसकी आवश्यकता क्या है? यदि कोई बाहर के घुसपैठिए आ गए दूसरे देश के आना चाहते हैं उसको, उससे आप आवेदन लीजिए, या घुसपैठिए आ गए हैं तो उसे गिरफ्तार करिए, कार्रवाई करिए, लेकिन पूरे देश के 130 करोड़ लोगों को लाइन में लगाएं, ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? और मूल बात से ध्यान हटाने के लिए कर रहे हैं। आज GDP 5% आ गया है, ऐसी स्थिति में लोगों को रोजगार कैसे मिले, किसानों के दाम 2022 तक दुगुना कैसे होगा, उसका आय दुगुना कैसे होगा, यहाँ की बेरोजगारी की समस्या कैसे दूर होगी, आखिर पूरे देश में उद्योग ठप पड़ते जा रहा है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जन जागरण करे तो ज्यादा अच्छा होगा। For more information, log on to www.clips.in.